हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया था, मतलब जो भी लॉज बने थे, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ बने थे, जो भी गाइडलाइन दी गई थी उनकी तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें ऑल ओवर यही था कि आप जैसे भी अपने वर्क प्लेस को सेफ रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, क्या आप उस तरीके से सेफ उसे रख रहे हैं कि वो मतलब लंबे समय के लिए वो सेफ रहे। ऐसा तो नहीं आप उसका एट अ टाइम सॉल्यूशन कर रहे हो, सिर्फ उसका लाइफ टाइम सॉल्यूशन ना दे रहे हो। ठीक है, जैसे होता है ना, हम टेम्परेरी सॉल्यूशन दे देते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। तो इससे ये चीज़ बता रही है, जब भी इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, तो उसमें यही बताया गया है कि आप कैसे अपने वर्क प्लेस को सेफ रख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं, तो उनको हमें फॉलो करना होता है, जिनके बाद हम अपने इस तरीके के लेवल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। जब भी हमारी प्रोडक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, पर उसके साथ आप हेल्थ के लिए क्या उनके लिए मेजर्स कर रहे हैं, है ना। हेल्थ पर उनके कोई इफेक्ट ना पड़े एम्प्लॉयज़ के, उनके लिए आपने क्या क्या सेफ्टी रूल्स रख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल यही कह रहा है उसका। ठीक है, सेकेंडरी प्रिंसिपल जो है वो ये है, जैसे कि आपके यहाँ जो भी एड्रेसेस हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं, रेगुलेशन हैं, क्या वो आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर दोबारा से रीचेक ना किया जा रहा हो। जैसे कि क्या होता है, आप जैसे कोई भी प्लान बनाया आपने, कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड उस प्लेस के लिए आपने कुछ भी सोचा, ठीक है, उसके बाद अगर आप वो सारी चीज़ों में चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क जो है उसको करने का तरीका तो चेंज होगा ना, तो आपको सेफ्टी में भी इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा, उसे अलग अलग तरीके से आपको टैकल करना होगा, क्योंकि हज़ार्ड्स के जो सिचुएशन है वो तो चेंज होती रहेगी, पर उसके हिसाब से आपको भी अपडेट होना पड़ेगा ना। तो ये उसका सेकंड प्रिंसिपल बता रहा है। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें आपने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस की हैं, कैसे आप सेफ्टी को अपने रेगुलर यूजेस में ला रहे हैं, आप उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए इंटरनेशनल लॉज, एनवायरमेंटल लॉ कुछ बने थे, जिसके वजह से पता चल सके कि हम क्या सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने अपने लिए रूल्स निकाले हैं, एनवायरमेंट के लिए निकाले हैं, वो सबको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। तो गाइडलाइंस में बेसिकली और मतलब पर्टिकुलरली यही बताया है कि जो भी आप सेफ्टी के लिए कर रहे हैं उनमें चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, चेंजेस नहीं तो एटलीस्ट आप जो भी कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो चीज़ें करने के बाद भी आपके एक्सीडेंट लेवल बढ़ा पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं प्रॉपरली किया जा रहा हो। ठीक है, मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आप लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं और इन केस आपके यहाँ बाहर से इंस्पेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें अगर नहीं ठीक से चल रही हों, लीगल कंप्लायंसेस नहीं फॉलो हो रहे हो, तो आपकी इंडस्ट्री बंद भी हो सकती है, वर्कप्लेस बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ हैं, जो कि बेसिकली एनवायरमेंट के लिए ही रखे गए हैं, क्योंकि जब तक एनवायरमेंट को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए EHS डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं वर्क प्लेस पर, जो एनवायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वो लोग EHS डिपार्टमेंट रखते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एनवायरमेंट का, और वो इस तरीके के लॉज भी फॉलो करते हैं, जिससे कि उनके वर्क प्लेस पर होने वाले एक्सीडेंट्स की वजह से किसी भी एनवायरमेंट पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, वैसे तो वो यही कोशिश रहती है कि इस तरीके के एक्सीडेंट हो ही ना वहाँ पे, पर इन केस अगर होते भी हैं तो इस तरीके से वो सेफ्टी रखते हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ पाए एनवायरमेंट पे। ठीक है, तो देखिए ये इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ है, इनमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, तो जो कि लीगल कंप्लायंसेस फॉलो कर सकते हैं, अपनी खुद के SOPs जनरेट कर सकते हैं, हर वर्क को हैंडल करने के लिए जो ऐसे करें, इस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे वर्क प्लेस पर, उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा, है ना।
तो आज का ये जो टॉपिक था उसमें यही बताया गया था कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ क्यों बनाए गए थे। तो वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपनी जो वर्क प्लेस है उसको वेल मेंटेन रख सकें, एनवायरमेंट को बहुत सेफ रख सकें, कोई भी एक्सीडेंट्स ना होने पाए इन सब के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो इसी से रिलेटेड था, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है, सो थैंक यू।